दोस्तों आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल रफ टू टफ में। मैं हूं रफीक अंसारी और आज मैं आप लोगों को परसेंट का एक और टॉपिक लेकर आया हूं। परसेंट यानी प्रतिशत, इसको हम लोग हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैंने दोस्तों आप लोगों को दो वीडियो दे चुका हूं, तो जाइए उसमें बेसिक लेवल से समझाया गया है। आज मैं थोड़ा हाई लेवल को समझाऊंगा। इससे पहले मैं थोड़ा फ्रैक्शन का जान लेते हैं, यानी फ्रैक्शन से परसेंट में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, वन को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं, 1/1। दोस्तों 1/2 को हम लोग अगर 100 से गुना करेंगे तो ये कितना आएगा, हम लोग 100 से अगर मल्टीप्लाई गुना किए तो कितना आएगा, ये 50% आएगा। ठीक है, ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन से हम लोग परसेंट में अगर चेंज करेंगे तो 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से 1/3, इसको अगर हम लोग 100 से गुना किए तो ये कितना हो जाएगा, 33.33%। ठीक है, इसको हम लोग 1/3% भी बोल सकते हैं। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलिए इसको हम लोग थोड़ा नीचे लिख सकते हैं, 33.1/3%। दोस्तों 1/4 को कितने लिख सकते हैं, इसको हम लोग 100 से अगर गुना किए तो ये हमारा हो जाएगा 25%। इसी तरह से 1/5, अगर ये फ्रैक्शन में है, इसको अगर हम लोग परसेंट में चेंज करेंगे तो इसको भी 100 से हम लोग गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20%। तुम्हारा हला वाला 1/6 को हम अगर हम लोग 100 से गुना किए तो ये कितना होगा, 50/3%। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 16/48 यानी 2/3%, 16 2/3% हो जाएगा। इसी तरह से 1/7 को अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, ये हमारा होगा 14 2/7%। ठीक है, इसको हम लोग दोस्तों 14.28% भी बोल सकते हैं। 1/8 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, 54 यानी 12.5%। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 12.5 यानी 1/2%। ठीक है, मैं इधर थोड़ा लिख देता हूँ, यहाँ हो जाएगा 1/9 को अगर हम लोग फ्रैक्शन से परसेंट में चेंज करेंगे नहीं, तो दिख रहा है, नहीं ये शायद नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं, उसके बाद में 1/9 को भी समझते हैं। दोस्तों वन बाई नाइन को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 1/9 को अगर हम लोग फ्रैक्शन से परसेंट में चेंज करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11.11%। ठीक है दोस्तों, अगर ये चीज़ आपको पता है, परसेंट में दिया है, अगर आपको ये चीज़ पता है, ये चीज़ आपको याद है, तो मैं आपको दावा करता हूँ कि आपको 10 से 15 सेकंड आपको एग्जाम में बचा सकता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए 63 का दे दिया है आपको 14.28%, तो क्या आप इसको सॉल्व करने जाएंगे, आप 14.28 का 1/7 होता है, तो आप 14.28 को 1/7 कर दीजिए, इसको आप 9 से काट दीजिए तो आपका डायरेक्ट 9 उत्तर आ जाएगा। ठीक इसी तरह से मान लीजिए आपको कह दिया है कि 96 का 25% कितना होगा, तो 25% को हम लोग पता है 1/4 होता है, तो 96
इंटू 1/4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 16 बार में चला जाएगा तो हमारा डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा 16। ठीक उसी तरह से एक सेकंड, डस्टर किधर है, एक मिनट फ्रेंड्स। मान लीजिए दोस्तों आप, अगर आपको कहा गया है 36 का 16 2/3%, तो आप इसको कैसे निकालेंगे? हमारा ये दिया हुआ है 16 2/3%, ठीक है, इसका मान कितना था, इसको फ्रैक्शन में कितना दिया गया, तो अगर इसको आप सॉल्व करने जाएंगे तो आपका काम हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से नहीं, यहाँ से लेंगे 36 इंटू 1/6, इसको काटेंगे 36 का 16 2/3% हमारा हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 606। ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा दिया है, लेकिन इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होगा लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन हमें मालूम है कि 16 2/3 का हमारा फ्रैक्शन में होता है 1/6, तो इसका हमारा हो जाएगा 1/6 36 का 606। ठीक उसी तरह से मान लीजिए 77 है, 77 का 14.28% कितना होगा, तो हमारा इसका जो है, इसका फ्रैक्शन कहाँ दिया है, ये इसका फ्रैक्शन हमारा ये है, ठीक है। तो 77 इंटू 14.28%, 77 इंटू का मतलब होता है गुना, इंटू 14.28%, इसका मान होता है 1/7, तो 77 इंटू 1/7 एक जाएगा 11 बार में, तो हमारा सीधा सीधी उत्तर हो जाएगा 11। ठीक उसी तरह से फ्रेंड्स, दोस्तों अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए, ठीक है। दोस्तों 72 का 12.5% कितना होता है, 72 का 12.5% कितना होता है, तो कहीं 12.5% आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए 12.5%, तो 72 का मतलब होता है गुना 1/8 करेंगे तो ये हमारा 8 से 9 बार में कट जाएगा, हमारा 9 होगा, 72 का 12.5% हमारा 9 उत्तर आ गया। ठीक उसी तरह से 99 का 11.11% कितना होगा, तो ये कहीं नज़र आ रहा है आपको 11.11% कितना है, इसका फ्रैक्शन में कितना है, तो आप यहाँ नीचे देख पा रहे होंगे 1/9, ठीक है। तो 99 का 1/9 उतारेंगे तो ये चला जाएगा 11 बार में, हमारा ये उत्तर हो जाएगा सीधा सीधी 11, ठीक है। दोस्तों 40 का कितना परसेंट 10 है, बहुत बेसिक सा एक प्रश्न लिया छोटा सा, 40 का जिसपे सापेक्ष में बात किया जाता है, जिसके रिस्पेक्ट में बात किया जाता है वो नीचे आता है, किसका किससे 10, और परसेंट में लाने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये इससे ये कट गया और 100/4 और ये कट जाएगा यानी 25, 40 का 10 25% है, ओके। दोस्तों एक और उदाहरण लेता हूँ, 40 60 से कितना परसेंट कम है, 40 60 से कितना परसेंट कम है, 40 60 से कितना परसेंट कम है, कितना कम है, 20 कम है, 40 60
ये कितना कम है, 20 कम है, 40 60 से किससे, 60 से, ये देखिए यहाँ पे 60 से जिसके रिस्पेक्ट में बात किया जाता है वो नीचे आता है। कई लोग क्या करते हैं कि 40 को नीचे डाल देते हैं, वो हमारा गलत तरीका है। 60 से जिसके रिस्पेक्ट में जिसके भाव में बात किया जाता है वो हमारा हमेशा नीचे आता है। और कितना डिफरेंस आया, कितना कम है, तो 20 कम है। इसको आप परसेंट में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा, 2 3 6 5 यानी हमारा हो जाएगा 100/3%, ये हमारा हो जाएगा उत्तर। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, 20 80 से कितना परसेंट, 20 80 से कितना परसेंट कम है, जिसके सापेक्ष में बात किया जाता है वो नीचे आता है, लेकिन डिफरेंस कितना है हमारा 20 और 80 के बीच में, तो 40 का डिफरेंस है। जिसके रिस्पेक्ट में बात किया जाता है वो हमेशा नीचे आता है। इसको हम लोग 100 से परसेंट में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 2 बार में कट जाएगा और ये हमारा 50% उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक और हम लोग प्रश्न लेते हैं, 80-20 से कितना परसेंट, 80-20 से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो इसका डिफरेंस कितना है, 60 डिफरेंस है, और जिसमें सापेक्ष में बात किया जाता है 60/20, जिसके रिस्पेक्ट में बात किया जाता है वो हमेशा नीचे आता है, 20 से इसके रिस्पेक्ट में बात किया जा रहा है तो, और हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 25 100 और ये 5 6 30 यानी 300% ज़्यादा है, 80-20 से 300% ज़्यादा है। ओके फ्रेंड्स, किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। गाइस फटाफट आप इसका उत्तर निकालिए, मैं आपको बताता ही हूँ। तो चलिए, किसी संख्या का, किस संख्या में मालूम नहीं, तो उस संख्या x है, x का 20% के लिए हम लोग नीचे में कितना 100 लगाते हैं, 20% का 120 है, बराबर 120 है। अगर ये संख्या निकल जाएगा तो हम लोग इसका 120% निकाल देंगे, 20 6 20 से, और ये 100 × 60 हो जाएगा हमारा 600, यानी x बराबर हमारा हो गया 600। अब 600 का 120%, ठीक है, तो ये परसेंट से ये हमारा 2 0 चला जाएगा तो 12 6 72, ये इस मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 720, यानी किसी संख्या का 20% 120 है, तो 720 का 20% 120 है, उस संख्या है हमारा है 720। ठीक है फ्रेंड्स, ये और हम लोग एग्जांपल लेते हैं, x% 81 है तो x का मान निकालिए। हमारा हैंड रेटिंग भी बहुत गजब का है, निकालिए दोस्तों, x% 81 है तो x का मान निकालिए। इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, तो बहुत सिंपल सा फंडा है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। x का मतलब होता है गुना, x% हमारा नीचे आता है, बराबर 81 है, कितना है 81 है,
ठीक है, तो ex और ex मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ex स्क्वायर हमारा हो जाएगा, और इधर ये चला जाएगा तो बराबर हमारा हो जाएगा 80 100। अब दोस्तों ये हमारा स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, x बराबर हमारा हो जाएगा 81 अंडर रूट 0। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और तो कितना होगा, x बराबर 90 into 90 अंडर रूट, और अंडर रूट से एक बाहर निकलेगा तो हमारा x बराबर हो जाएगा 90, यानी हमारा x का मान हो जाएगा 90। ओके दोस्तों, एक और हम लोग बहुत ही प्यारा प्रश्न लेते हैं, ये परसेंटेज से है, चाय की कीमत 12 रुपये से बढ़कर चाय की कीमत 12 रुपये से बढ़कर 16 रुपये हो जाती है, तो कितना परसेंट की वृद्धि हुई। दोस्तों चाय की कीमत में 12 रुपये से बढ़कर 16 रुपये हो जाती है, 12 रुपये से बढ़कर 16 रुपये हो जाती, यानी पहले 12 रुपये थी बाद में 16 रुपये बढ़ गई, कितने बढ़ गई, 4 बढ़ गई, 4 रुपये बढ़ गई, किस से, 12 रुपये से। तो जो जिसके सापेक्ष में बात किया जाता है, इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जिसके सापेक्ष में बात किया जाता है उसको हम लोग नीचे रखते हैं, और हमारा जो डिफरेंस आया ये ऊपर आ जाएगा, तो 12 रुपये से बढ़कर कितने परसेंट के बढ़ोगे, तो 4 3 इसको इससे काटेंगे तो हमारा 3 बार में चला जाएगा, 3 टाइम्स में, और अगर इससे इससे काटें तो 33.3% हमारा उत्तर हो जाएगा, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 33.33%। ओके दोस्तों, 1000 का 60% कितना होगा, तो इसको हम लोग जल्दी कैसे निकाल सकते हैं, 60% को तोड़ दीजिए, 50% प्लस 10%, 1000 का 50% हमारा कितना हो जाएगा 500, और 10% का कितना होगा, 1000 का 100 रुपये, तो इसको 100 जोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा 600, बहुत ही जल्दी निकलेगा। किसी गांव की पॉपुलेशन जनसंख्या जनसंख्या 10,000 से बढ़कर 15,000 हो गई, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई। दोस्तों किसी गांव की जनसंख्या 1000 से बढ़कर 15,000 हो गई, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो दोस्तों 10,000 से लेकर के 15,000 तक हो गई, यानी 5,000 की वृद्धि हुई, किससे, किसके सापेक्ष में बात किया जा रहा है, 10,000 से, तो इसको हम लोग नीचे रखेंगे और परसेंट में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 30 से ये 30 कट जाएगा, और 5 2 10, और ये चला जाएगा 50 बार में, यानी 50% की वृद्धि हुई। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरा क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।